भोजपुरी सिनेमा जगत के जाने माने एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ अपनी बेहतरीन अदायगी के लिए जाने जाते हैं। उनकी गायकी और एक्टिंग को फैंस काफ़ी पसंद करते हैं। उनकी और आम्रपाली दुबे की जोड़ी इंडस्ट्री की हिट जोड़ियों में से एक है। इनकी केमिस्ट्री को देखकर फैंस काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं और लोग यूट्यूब क्वीन को ही उनकी वाइफ समझते हैं। इसकी वजह भी है कि वो हर इवेंट और फंक्शन में उनके साथ दिखती हैं। ऐसे में इस बात को बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि एक्टर रियल लाइफ में पहले से ही शादीशुदा हैं और उनके दो बच्चे भी हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो उनका नाम एक्ट्रेस पाखी हेगड़े के साथ जुड़ा था। दोनों का पर्दे पर किया गया रोमांस लोग आज भी खूब पसंद करते हैं। इसके बाद अब अक्सर एक्टर का नाम भोजपुरी की यूट्यूब क्वीन आम्रपाली दुबे के साथ जुड़ता है, उनकी वाइफ तक समझा जाता है। उनकी रियल वाइफ का नाम मंशा देवी है। इस शादी से इनके दो बच्चे आदित्य और अदिति हैं। निरहुआ की शादी साल 2000 में हुई थी। मंशा देवी भले ही लाइमलाइट से दूर रहती हैं, मगर उनकी छोटी बेटी अदिति काफ़ी लाइमलाइट अभी से ही बटोर चुकी हैं। उन्हें बॉक्सिंग का शौक है। उनका वीडियो भी बॉक्सिंग करते हुए वायरल हो चुका है। अदिति महज 6-7 साल की हैं और काफ़ी टैलेंटेड हैं। वो बहुत ही क्यूट भी हैं। वहीं निरहुआ के परिवार में भाई प्रवेश लाल यादव भी हैं, जो कि जुबली स्टार से छोटे हैं। वो एक्टिंग में करियर शुरू करने से पहले सेना में नौकरी करते थे। यहाँ उन्होंने करीब 4 साल की सर्विस दी है। इसके बाद उन्होंने बड़े भाई की तरह ही एक्टिंग में करियर की शुरुआत की और सेना की नौकरी को छोड़ दिया। वो भी रियल लाइफ में शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता हैं। आज वो एक एक्टर होने के साथ साथ सिंगर और प्रोड्यूसर भी हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ फिल्मों में करियर शुरू करने से पहले स्टेज शो किया करते थे। उनके बड़े पापा के बेटे और बड़े भाई विजय लाल यादव बिरहा सम्राट हैं। वहीं प्यारे लाल यादव बेहतरीन लिरिक्स लिखने के लिए जाने जाते हैं। फिल्मों में आने से पहले वो भाइयों के साथ ही स्टेज शो किया करते थे। मीलों पैदल चलकर स्टेज शो करते थे। हालांकि वो समय आया जब उन्हें फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला में काम करने का मौका मिला और इससे उनकी किस्मत ही बदल गई थी। इसमें उनके साथ एक्ट्रेस पाखी हेगड़े पहली बार नजर आई थी और यहीं से दोनों की जोड़ी भी हिट रही थी। वहीं आम्रपाली दुबे की बात की जाए तो उन्होंने निरहुआ के साथ फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी से करियर की शुरुआत साल 2014 में की थी। इसमें दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था और यहीं से दोनों ने बैक टू बैक काम किया था। इनकी जोड़ी अब तक 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। आम्रपाली फिल्मों में आने से पहले टीवी सीरियल्स में काम किया करती थीं।